स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो करेंसी नोट प्रेस नासिक के द्वारा निकाली गई है। तो चलिए पोस्ट वाइज जानते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। तो पहला जो आपका पोस्ट है वो सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल की बात करें तो 27,600 से 95,910 रुपये है। अगर सीटों की बात कर लें तो अनरिजर्व कोटे में एक सीट है और एससी के लिए एक सीट है। और इस पोस्ट के लिए कौन कौन अवेलेबल है, तो बीटेक बी और बीएससी के स्टूडेंट इस पोस्ट पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष एज है और एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइज़र ऑफिशियल लैंग्वेज लेवल A1 के लिए वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल 27,600 से 95,910 रुपये है। सीटों की बात करें तो अनरिजर्व कोटे के लिए केवल एक सीट है, टोटल सीटों की संख्या एक है। इसके लिए आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए और लैंग्वेज का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए। एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट पद है वो आर्टिस्ट ग्राफिक डिज़ाइन का पद है, जो लेवल B4 है, जिसमें पे स्केल 23,910 रुपये से 85,570 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो एक सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए केवल एक सीट है। तो जो फाइन आर्ट से बैचलर डिग्री जिसके पास है, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष इसका एज रखा गया है। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। वहीं जो फोर्थ पोस्ट है वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट लेवल B4 के लिए है, जिसमें पे स्केल की बात करें तो 23,910 रुपये है और अधिकतम 85,570 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीट एक है और अनरिजर्व में एक सीट है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। जो आपका पांचवा पोस्ट है, और ख़ास तौर से यह जो पोस्ट है वो आईटीआई वालों के लिए है, जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल लेवल W1 में पे स्केल की बात करें तो 18,780 रुपये से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 6 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कोटे के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है और OBC के लिए 2 सीट है। NCBT और SCBT ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष इसकी एज रखी गई है। एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। 6 नंबर पे जो पोस्ट है वो भी जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप मशीनिस्ट लेवल W1 के लिए है, यानी मशीनिस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। पे स्केल की बात करें तो 18,780 रुपये से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो 2 टोटल सीट हैं, जिसमें केवल अनरिजर्व कोटे में ही 2 सीटें हैं। तो मशीनिस्ट ट्रेड से NCVT SCVT में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष एज रखा गया है, जिसमें एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। वहीं सातवें पद में देखें, सातवां रो में, तो जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप फिटर लेवल W1 के लिए, यानी फिटर के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो 18,780 से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो 4 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कोटे के लिए 2 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है और OBC के लिए 1 सीट है। तो फिटर ट्रेड में आपको NCVT SCVT से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो फिटर के स्टूडेंट के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष एज होना चाहिए। ऑनलाइन मोड में इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। अब नेक्स्ट जो पद है वो जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल की बात करें तो 18,780 से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट है, अनरिजर्व में 3 सीट है, OBC में 1 सीट है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में NCVT SCVT से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष एज होना चाहिए और ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट जो पद है जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप एयर कंडीशनिंग के लिए है, जो AC जो स्टूडेंट ITI करते हैं उनके लिए है, जिसमें
पे स्केल की बात करें तो 18,780 रुपये से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट दी गई है, जिसमें अनरिजर्व में 3 सीट है और ओबीसी में 1 सीट है। तो एयर कंडीशनिंग ट्रेड से एनसीबीटी के अंतर्गत आपको आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो इनके लिए भी 18 से 25 वर्ष एज दिया गया है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होने वाला है। वहीं आगे देखें तो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल लेवल W1 के लिए भी है। इसमें भी पे स्केल 18,780 रुपये से 67,390 रुपये है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीटें हैं। 92 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कोटे के लिए 41 सीट है, EWS में 8 सीट है, OBC के लिए 21 सीट है, SC के लिए 10 सीट है, ST के लिए 4 सीट है और SC 12 सीट, जिसमें रिजर्वेशन कोटा है। एक सर्विस मैन के लिए 4 सीट हैं, OBC के लिए 2 सीट हैं। इसमें एक सर्विस मैन का अलग से दिया हुआ है सीटों की संख्या। तो इसके लिए आपको आपके पास NCVT से ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी प्रिंटिंग ट्रेड से होना चाहिए। अगर प्रिंटिंग ट्रेड से ITI की आपके पास डिग्री है तो आप जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल लेवल W1 के पद पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष एज दिया गया है। एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 19/10/2023 है, यानी 19 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग जो डेट है 18/11 यानी 18 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये लास्ट डेट है। जो आपका एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी फरवरी 2024 में दिया गया, एक अनुमानित ये डेट है, अभी ये डेट कंफर्म नहीं है। तो जैसे भी डेट अगर आती है तो वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो इस वेबसाइट पे आप जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी आपको चेक करना है तो इसके संबंध में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ITI के स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।